नवनिर्वाचित जिला महिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी डॉक्टर जानकी देवी यादव ने नई जिम्मेदारी मिलने पर बताया कि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगी और लोगों के पास जाकर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को और उनकी योजनाओं को बताऊंगी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला अध्यक्ष डॉक्टर जानकी देवी यादव ने कहा, चुनाव को देखते हुए हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं कोशिश करूंगी निष्ठापूर्वक इसको निभाने के लिए। और हमारे सरकार की जो जो योजनाएं थी वो योजनाएं हम डोर टू डोर जाऊंगी और उनको बताऊंगी, उनको पता भी है और उसको यूज़ नहीं किया गया, सारा फ्लॉपिंग की तरफ डाल दिया गया है। ये सरकार की योजना जो है, जो जो आया सब कुछ फ्लॉपिंग में चल रहा है, आज तक इन्होंने कुछ आगे नहीं ले चला। जैसे धन धन योजना, ये सारी चीज़ आप लोगों को मालूम ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता जान रही है, देख रही है। महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ लगता है? एक्चुअली महिला तो मेरे साथ जुड़ी है, मैं विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी हूँ, जिला कार्यकारी रह चुकी हूँ और सारे विधानसभाओं में महिलाएं हमारे साथ हैं, उनको पता चला तो सारे महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं, एक महिला ये भी हैं, इनका भी बहुत मैं सहयोग करती हूँ।